नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया। ये शब्द हम बड़े जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहे हैं, सबूत के साथ एक्सपोज कर दिया। और पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम पूछ रहा था कि कांग्रेस ने मुस्लिम आरक्षण की बात कब की थी, कहां की थी, किसने की थी, तो प्रधानमंत्री ने यूं ही बात उछाल दी। तो आप सुनिए, कांग्रेस में मुस्लिम आरक्षण की बात राहुल गांधी ने की थी, जिसे नरेंद्र मोदी ने सुना और आज सबको सुना भी दिया। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा था, हम जीतेंगे तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे, इन्हीं शब्दों में कहा था। अब ये टेप उस दिन बजा है जिस दिन देश में पांचवें चरण का चुनाव हुआ, 49 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई। कांग्रेस के हाथ में इस फेज की सिर्फ एक सीट है, रायबरेली, और मोदी के हाथ में कितनी सीटें हैं 49 में से 33। क्या आरक्षण का वादा सुनकर मुसलमान कांग्रेस की सीटें बढ़ा देंगे? मोदी का स्ट्राइक रेट जो भी 90% पर चल रहा है, वो आगे बढ़ने वाला है या घटने वाला है? नरेंद्र मोदी फुल फॉर्म में है और राहुल गांधी आज दौड़कर रायबरेली पहुंच गए, क्यों जरूरत पड़ गई इसकी, सारी बातें आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप तो खुद प्रत्याशी है राहुल जी। ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी अचानक रायबरेली पहुंच गए? ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी हनुमान मंदिर दर्शन के लिए पहुंच गए? ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी को बूथ का इंस्पेक्शन करना पड़ा? नमस्कार, नमस्कार, तुम भी वोट लगा रहे हो? इससे पहले राहुल गांधी को पोलिंग बूथ का इंस्पेक्शन करते हुए कभी नहीं देखा गया। इस चुनाव में इससे पहले राहुल गांधी कभी मंदिर भी नहीं गए, लेकिन आज राहुल गांधी को संकट मोचन की याद आ ही गई। वजह क्या है? वजह हम बताते हैं। यह कांग्रेस का सबसे खराब फेज है, बीजेपी के लिए सबसे बढ़िया फेज चल रहा है। चुनाव का पांचवा फेज सबसे छोटा है, मगर सबसे एकतरफा फेज यही है। जिन 49 सीटों पर आज चुनाव हुए, उनमें से कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर किसी तरह सांस ले पा रही है, और वो सीट है रायबरेली। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने इस फेज की 49 सीटों में से सिर्फ एक सीट रायबरेली का चुनाव जीता था। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के पॉलिटिकल पावर में क्या अंतर है, इसे फिफ्थ फेज से ही समझा जा सकता है। फिफ्थ फेज की 49 सीटों में से कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट है, बीजेपी के पास फिफ्थ फेज की 49 सीटों में से 33 सीटें हैं। यानी पांचवें फेज में मोदी की पावर राहुल से 33 गुना ज्यादा है। 2014 के चुनाव में भी हालात बहुत अलग नहीं थे। फिफ्थ फेज की 49 सीटों में से बीजेपी ने 2014 में 28 सीटें जीती थी, कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिली थी, रायबरेली और अमेठी। यानी 2014 में भी मोदी की पावर राहुल से 14 गुना अधिक थी। पांचवें चरण में उन सीटों पर मतदान हो रहा है जिसमें 2019 में सबसे कम वोटिंग हुई थी, सिर्फ 62% की पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी। पिछले 3 चुनावों में इन 49 सीटों पर कभी 63% से अधिक वोटिंग हुई ही नहीं। जो लोग कहते हैं कि कम पोलिंग होने से मोदी को घाटा हो जाता है, वो ये जान लें कि 2019 में जब सबसे कम 62% पोलिंग हुई थी, तब भी मोदी ने फिफ्थ फेज की 49 सीटों में से बीजेपी को 33 सीटें दिलाई थी और एनडीए का स्कोर था 41। यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट 67% का था और एनडीए का स्ट्राइक रेट था 84% का। नरेंद्र मोदी हैट्रिक बनाने के लिए मैदान में हैं, मोदी मंदिर भी जा रहे हैं। अंतर यह है कि राहुल कभी कभी मंदिर जाते हैं, मोदी रेगुलर मंदिर जाते हैं।
राहुल को संकट मोचन की याद इसलिए आई क्योंकि कांग्रेस जिस गड्ढे में गिरी है वहां उसे सिर्फ राम का ही सहारा है। लोकसभा के पूरे चुनाव को अगर आप देखेंगे, कांग्रेस के नेता तो पहले प्रभु राम को नकार चुके थे। पहले इन्होंने कहा था कि राम का नाम तो हो ही नहीं। इन लोगों ने पहले ही कहा था और अभी चुनाव के दौरान भी इनके एक बुद्धिदाता कह रहे थे भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। हमने कहा भाई आपने बुद्धि कांग्रेस को दी होती तो कम से कम वो इटली में ही राम का मंदिर बना देते। भारत के अंदर तो बनाने के लिए हमारा इंतजार था ही, मोदी जी का इंतजार था ही, लेकिन अगर पहले बताए होते तो कांग्रेस को कहते कि भाई इटली में ही बना दो। आज कांग्रेस उसी राह पर आगे बढ़ चुकी है और इसके जितने भी अन्य सिपहसालार हैं, इनके सहयोगी दल हैं, वे भी राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। कोई कहता है राम मंदिर बेकार बना है, कोई कहता है राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस हो या इनके अन्य सहयोगी दल, ये पहले दिन से राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। बिहार में फिफ्थ फेज की 5 सीटों पर कांग्रेस 0 है, झारखंड में फिफ्थ फेज की 3 सीटों पर कांग्रेस 0 है, ओडिशा में फिफ्थ फेज की 5 सीटों पर कांग्रेस 0 है, पश्चिम बंगाल में भी फिफ्थ फेज की 7 सीटों पर कांग्रेस का स्कोर 0 है, महाराष्ट्र में भी 5वें फेज की 13 सीटों पर कांग्रेस 0 है और यूपी में फिफ्थ फेज की 14 सीटों पर कांग्रेस का नंबर सिर्फ 1 है। राहुल गांधी उसी 1 नंबर को बचाने के लिए रायबरेली पहुंचे। जब भी देश पर संकट आता है तो सबसे पहले देश छोड़कर के भागने वालों में राहुल गांधी का नाम आता है। कहीं भी कोई संकट आ जाए, यद्यपि ये देश को संकट देने वाले लोग ही हैं, इन्होंने समस्या दिया, इन्होंने आतंकवाद देश को दिया, इन्होंने नक्सलवाद देश को दिया, विरासत में इन्होंने भ्रष्टाचार देश को दिया, अराजकता देश को दी। इस सदी का सबसे बड़ा संकट था कोरोना कालखंड। कोरोना के दौरान कहीं राहुल गांधी नजर आए थे क्या? नमस्कार। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ तो रहे हैं लेकिन वो रायबरेली के वोटर नहीं है। राहुल का पूरा गांधी परिवार दिल्ली में वोट डालता है। वोटर नहीं होने के कारण 2 दिन पहले चुनाव प्रचार खत्म होते ही राहुल रायबरेली निकल गए थे। 4 जून इंडिया की सरकार बनेगी और 4 जुलाई 9 बजे सुबह लाखों परिवारों के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए का डाक संदेश। राहुल जब इलेक्शन कैंपेन में नहीं होते हैं तो वीडियो बना रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे होते हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर चलता जाएगा, टकाटक 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 टकाटक। आज रायबरेली से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का डिस्ट्रेस कॉल आया, राहुल के पास SOS मैसेज आया तो राहुल ने हवाई जहाज मंगाया और दिल्ली से लखनऊ होते हुए रायबरेली पहुंच गए। रायबरेली में राहुल ने ये दिखाने की कोशिश की कि बूथ लूटे जा रहे हैं और कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स का बस्ता फेंका जा रहा है। बीजेपी के लोग, तो बीजेपी के लोग आप लोगों को वोट डालने नहीं दे रहे यहाँ पे? वोट डालने नहीं दे रहे, यहाँ पे बस्ता लगा था, पर्चियां काटने में बस्ता जला दिया सर। अच्छा, धमका रहे हैं। राहुल गांधी को फील्ड में देखकर कांग्रेस जोश में आई, चुनाव की हवा बदल गई, ऐसा दावा किया जाने लगा। कांग्रेस ने राहुल का रायबरेली वाला वीडियो लगाकर लिखा जननायक। यूपी कांग्रेस ने लिखा अभूतपूर्व समर्थन। यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने लिखा अभूतपूर्व जीत। सोशल मीडिया पर माहौल बनाने तक तो ठीक है लेकिन कांग्रेस की तकदीर कैसे बदलेगी? कांग्रेस का भाग्य बदलने का कोई चांस है भी क्या? बिहार में कांग्रेस के पास 8% से कम का वोट शेयर है, झारखंड में कांग्रेस के पास करीब 16% का वोट शेयर है, ओडिशा में कांग्रेस नंबर 3 पर खिसक चुकी है, उसके पास 13% का वोट शेयर है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का वोट शेयर सिंगल डिजिट में है, यहाँ वो 6% से भी नीचे है, महाराष्ट्र में कांग्रेस 6 पार्टियों में से 1 और सबसे छोटी पार्टी बनकर रह गई है,
उसका वोट शेयर 16% है। यूपी में कांग्रेस की सबसे खराब स्थिति है। 80 सीटों वाले प्रदेश में कांग्रेस 6% वोट शेयर वाली पार्टी है। फिफ्थ फेज में जहां वोट पड़े उन राज्यों की बात करें तो कांग्रेस किसी भी राज्य में अपने दम पर एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड, इन 6 राज्यों में ही लोकसभा की 245 सीटें हैं। इन राज्यों को जीते बिना किसी भी पार्टी के लिए दिल्ली का दरवाजा नहीं खुलता, लेकिन कांग्रेस को इन 6 राज्यों में गिनकर 6 सीटें ही मिलती हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस को इस बार राहुल गांधी की उम्र से भी कम सीटें मिलेंगी। राहुल गांधी की सीटें सचमुच उंगलियों पर गिने जाने लायक हैं। बिहार में किशनगंज, झारखंड में सिंहभूम, ओडिशा में कोरापुट, पश्चिम बंगाल में बहरामपुर, महाराष्ट्र में चंद्रपुर और यूपी में रायबरेली, इस बार उसमें भी संकट है। तो फिर कांग्रेस बढ़ कहां रही है? कांग्रेस पार्टी के शहजादे राहुल बाबा ने 24 के चुनावों की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, 4 जून के बाद राहुल बाबा को कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। कांग्रेस ढूंढो यात्रा, दूरबीन लेकर भी कांग्रेस दिखने वाली नहीं है। राहुल गांधी और उनकी कोटरी के लोग कहते हैं कि 4 जून को सरकार बदल जाएगी। भला कैसे बदल जाएगी? राहुल जब सीटें जीत ही नहीं पाएंगे, राहुल जब नरेंद्र मोदी को हरा ही नहीं पाएंगे, तो सरकार कैसे बदल जाएगी? कांग्रेस की सीटें 1 से बढ़ेंगी तो 2 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, 6 से बढ़ भी गई तो 8 या 10 हो जाएंगी, लेकिन उससे होगा क्या? कांग्रेस की सरकार तो नहीं बन जाएगी? एक मिनट के लिए सोच लो कि घमंडिया गठबंधन इंडी अलायंस को बहुमत मिला तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, बताओ तो जरा। कोई नाम है? अरे करनाल वालों बताओ, कोई नाम है क्या? चलो मैं एक एक कर पूछता हूं, शरद पवार बन सकते हैं क्या? अरे जोर से हाना बोलना भाई, बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? अब हंसना मत, जरा भी मत हंसना। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे यार आप, वो बड़े नेता है कांग्रेस के भाई, मगर बताओ बन सकते हैं क्या? ये लोग, इनके पास नेता भी नहीं है, नीति भी नहीं है। एक पत्रकार ने उनके नेता को पूछा कौन प्रधानमंत्री बनेगा आपका, तो उन्होंने कहा बारी बारी हम 5 लोग एक एक साल बन जाएंगे। नरेंद्र मोदी नई नई डेमोग्राफी, नई नई ज्योग्राफी में चुनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं? हिंदी हार्टलैंड में जीतने वाला कोई भी दूसरा प्रधानमंत्री होता तो हिंदी बेल्ट में ही चुनाव पर फोकस करता, लेकिन मोदी जितनी मेहनत यूपी बिहार में कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा मेहनत गैर हिंदी भाषी राज्यों में कर रहे हैं। मोदी ने कल पश्चिम बंगाल में 3 रैलियां की थी, आज मोदी ने ओडिशा में 2 और पश्चिम बंगाल में 2 और रैलियां की। ओडिशा में बीजेपी हाफ मार्क तक पहुंच चुकी है, अब यहां उसे सबसे बड़ी पार्टी बनना है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 18 सीटों से आगे बढ़कर 35 तक पहुंचना है। मोदी ओडिशा और बंगाल जैसे राज्यों में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्या हिंदी पट्टी के राज्यों में उनको नुकसान हो रहा है? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव यही दावा कर रहे हैं। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, हर चरण में जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और आप देख लेना, जिस समय 7वें चरण में चुनाव पहुंचेगा, जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे दिखाई देगा। बिहार में आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव भी यही बोलते हैं। अब भाई आए ना, डोनाल्ड ट्रंप को कहने लेके आ रहे हैं, उचित को भी बुला लेते हैं। देखो साउथ नॉर्थ कोरिया वाले है ना, किम जोंग को भी बुला ले, और दोनों चारों मिलकर के तब भरपूर बिहार में प्रचार करें। अखिलेश और तेजस्वी का गुस्सा जायज है, नरेंद्र मोदी का अगला निशाना ही बिहार और यूपी पर है। मोदी कल बिहार में धुआंधार प्रचार करने वाले हैं, वो रात में ही पटना पहुंच जाएंगे और मोदी का रात्रि विश्राम भी पटना में ही होने वाला है। मंगलवार को सीवान और पश्चिमी चंपारण में मोदी की मेगा रैली होगी। यूपी में मोदी की पार्टी
अखिलेश को हराने में जुटी है। बिहार में आरजेडी ही प्राइम टारगेट है, लेकिन मोदी की बिग पिक्चर में अखिलेश और तेजस्वी नहीं है, बिग पिक्चर में कांग्रेस के राहुल गांधी ही हैं। मोदी सबसे तीखा हमला राहुल गांधी पर ही करते हैं। आज ही मैंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के शहजादे का एक वीडियो देखा है। ये बात बड़ी गंभीर है। मैं आप सबसे कहता हूं, मेरी इस बात पर गौर कीजिए। मैं मीडिया वालों को खास कहता हूं, जिन मीडिया वालों ने, जिन इकोसिस्टम ने ये घोर संप्रदायवादी लोगों की चमड़ी बचाने का काम किया है, वो भी जरा कान खुल करके सुन ले। ये वीडियो 11-12 साल पुराना है। ये कांग्रेस के शहजादे का वीडियो है। इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में मोदी ने राहुल गांधी के 12 साल पुराने वीडियो का जिक्र करके बताया कि कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण की केवल बात नहीं कर रही, बल्कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो मुस्लिम आरक्षण लागू भी कर देगी। हमने लाइब्रेरी में सर्च किया तो हमें भी राहुल गांधी का वो वीडियो मिल गया। नरेंद्र मोदी ने राहुल के जिस वीडियो के बारे में बताया उसे पूरा का पूरा हम आपको दिखाते हैं। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर मोदी ने कांग्रेस की गलती पकड़ ली है। मोदी ने राहुल गांधी का वीडियो ढूंढ कर निकाल लिया है। कांग्रेस अभी भले ही इनकार कर रही है, लेकिन ये उसकी लॉन्ग स्ट्रेटजी का हिस्सा है। कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां अभी चुनाव के समय रिएक्ट नहीं कर रही, लेकिन वो पार्टियां भी आज नहीं तो कल रिएक्ट करेंगी। क्यों, ये समझ लीजिए। समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा वोट सपोर्ट मुस्लिम वर्ग से मिलता है। कार सेवकों पर गोली चलाने की घटना के बाद से ही मुसलमान मुलायम सिंह यादव के साथ अटैच्ड हैं। यूपी में 19% मुस्लिम वोटर हैं। बिहार में आरजेडी को भी सबसे बड़ा सपोर्ट मुसलमान ही देते हैं। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रोक कर और आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार करके लालू प्रसाद यादव मुसलमानों के हीरो बने थे, तभी से बिहार के 17% मुसलमान आरजेडी के पीछे खड़े हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार ने मुस्लिम वोटर्स के बीच अपनी पैठ बढ़ाई। महाराष्ट्र में 12% मुस्लिम वोटर्स हैं। अखिलेश और तेजस्वी अभी कांग्रेस के साथ अलायंस में हैं। पवार भी कांग्रेस के साथ हैं। उनको अपना वोट बंटने का खतरा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जिन सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है वहां पूरा का पूरा मुस्लिम वोट एकमुश्त कांग्रेस को ही जाने वाला है। पश्चिम बंगाल में ममता यही बंटवारा नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ प्री पोल अलायंस नहीं किया। कल तक टीएमसी कांग्रेस को गाली दे रही थी, अब वो कह रही है हम इंडी गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन बंगाल के लोग जानते हैं कांग्रेस ये डूब चुका जहाज है, और टीएमसी के जहाज में भी छेद हो चुका है। ये दोनों एक दूसरे की सवारी कर ले फिर भी डूबना तो तय है। ये चुनाव
भारत के भविष्य का चुनाव है। जिन लोगों ने भारत को दशकों पीछे धकेला, देश उन्हें नकार चुका है। 24 के चुनाव में इंडी अलायंस की पार्टियों का एक ही मकसद सध रहा है, मुस्लिम वोट का बंटवारा नहीं हो रहा। लेकिन ये हालात हमेशा नहीं रहेंगे, अलायंस बनते बिगड़ते रहते हैं। मुस्लिम वोट पर इंडी अलायंस की हर पार्टी एक छत्र कंट्रोल चाहती है, इसके लिए उनको कांग्रेस से ही झगड़ना है।